गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कॉर्नर। दोस्तों, मैं ऋचा, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज 15 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहता है। दोस्तों, आपको हर दिन बोलती हूँ कि करंट में डेली अपडेट रहिए, हर चीज़ जानने की कोशिश करिए डेली के करंट से रिलेटेड, क्योंकि सारे एग्ज़ाम का भी ये ट्रेंड बन चुका है करंट से क्वेश्चन बनने का, और यही से कंपटीशन हर एग्ज़ाम की का होता है। तो आप कितना इसमें गेन कर सकते हैं वही आपको सक्सेस बनाता है, इसलिए करंट में डेली अपडेट रहा करिए। चलिए दोस्तों, अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहा करिए। हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट है, हाल ही में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया। दोस्तों, अभी हाल ही में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को अर्थात कल मनाया गया था, सशस्त्र बल भूतपूर्व दिवस। पहले दोस्तों, ये जो सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस है, जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसे आर्मिस्टिक डे के नाम से जाना जाता था, तब इसे आर्मिस्टिक डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन अब इसका नाम सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस रख दिया गया है और इसी नाम से प्रतिवर्ष इसे 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 2017 से हुई थी। तो इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस पॉइंट से रिलेटेड रही। अब आगे बढ़ते हैं, हाल ही में रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। प्रतिवर्ष से इसका आयोजन किया जाता है। हमारे प्रेजेंट के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं एम वेंकैया नायडू, उनके द्वारा रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में परंपरागत तेलुगु अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। दोस्तों, परंपरागत तेलुगु अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में तेलुगु के प्रसार के लिए, तेलुगु भाषा के प्रसार प्रचार के लिए तेलुगु अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। अब बात हो रही है दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जैसे कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात की जाए तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है, अर्थात फ्यूचर में आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती होगी। आंध्र प्रदेश के सीएम की बात कर ली जाए तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। तो ये तो रहा दोस्तों आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हाल ही में किसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया है। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एससीओ के द्वारा 8 दुनिया के 8 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है। एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया है। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की प्रतिमा है जो कि गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया था। यह इसकी ये हाइट पूछता है कि कितने मीटर ऊंचा है, तो 182 मीटर ये ऊंचा है। एससीओ की बात की जाए दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी और एससीओ का हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में है। तो इतनी बातें इस पॉइंट से रिलेटेड हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं, हाल ही में इसरो ने कहाँ से GST-30 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों, हाल ही में इसरो ने GSAT-30 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा गुयाना से की है। तो इसरो ने GSAT-30 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा कहाँ से की है, गुयाना से किया है। फ्रेंड्स, GSAT-30 क्या है, यह भारत का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि GSAT-30 का संबंध किससे है, भारत की एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। अब इसको इसरो ने लॉन्च किया है, घोषणा की है इसरो ने। तो इसरो का फुल फॉर्म जान लिया जाए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों, इसरो की स्थापना की बात की जाए तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसरो के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो के सिवान इसरो के वर्तमान चेयरपर्सन हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश का जहाज इचिगो चेन्नई पहुंचा है? दोस्तों अभी हाल ही में जापान देश का जहाज इचिगो जो है वह चेन्नई में पहुंचा है। जापान कोस्ट गार्ड का जहाज ये है, यह इचिगो, इसका नाम इचिगो है, यह चेन्नई तट पे पहुंचा है। 5 दिन की सद्भावना यात्रा पे यह चेन्नई पहुंचा है। अब बात हो रही है जापान की, दोस्तों जापान की राजधानी की बात कर ली जाए तो टोक्यो जापान की कैपिटल है। जापान की करेंसी एन होती है और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे होते हैं। ये चीज़ें हर वीडियो में आपको बताई जाती है ताकि सुन सुन के ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएं, कभी अलग से रटना ना पड़े किस देश के प्रधानमंत्री कौन है, राजधानी या करेंसी उनकी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल तैयार किया है? दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए IOCL ने विशेष श्रेणी का डीजल तैयार किया है। IOCL का मतलब है इंडियन ऑयल कोऑपरेशन लिमिटेड द्वारा। यह भारतीय नौ सैनिकों के लिए एक विशेष श्रेणी का डीजल इन्होंने तैयार किया है। इस डीजल का नाम या इसका कोड क्या रखा गया है? IN512 इस डीजल का कोड रखा गया है। बात हो रही है भारतीय नौसेना की, दोस्तों भारतीय नौसेना के वर्तमान में चीफ जो है वह एडमिरल करमवीर सिंह है, तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब किसने जीता? दोस्तों हाल ही में मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब केंटो मोमोटा ने जीता है। दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, तो इन्होंने ही मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने किसे अपना डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने अपना नया डिप्टी गवर्नर जो है वह माइकल देवव्रत पात्रा को नियुक्त किया है। तो आरबीआई द्वारा अपना डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? माइकल देवव्रत पात्रा को। बात हो रही है फ्रेंड्स आरबीआई की, तो आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए दोस्तों तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के गवर्नर की बात कर ली जाए तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटाया है? दोस्तों अमेरिका ने चीन देश को मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटाया है। अब ये मुद्रा मैनिपुलेटर क्या है? दोस्तों मुद्रा मैनिपुलेटर का मतलब होता है कि मुद्रा से संबंधित हेरा फेरी करना, इसे ही मुद्रा मैनिपुलेटर का नाम दिया गया है। तो चीन ने वहाँ की मुद्रा से हेरा फेरी किया है, इसलिए अमेरिका ने चीन देश को मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटाया। अब बात हो रही है चीन की, तो चीन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन की करेंसी की बात कर ली जाए तो रेन मिनबी चीन की करेंसी है और चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैं। तो ये तो बात रही चीन की। अब आगे का पॉइंट, हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? दोस्तों द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता अमित शाह जो कि वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं इन्होंने किया है। द्वीप विकास एजेंसी की स्थापना दोस्तों नीति आयोग द्वारा किया गया था। द्वीपों के विकास के लिए, द्वीपों के तरक्की के लिए द्वीप विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी या नीति आयोग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ब्लैक मनी पर निगरानी के लिए 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है? दोस्तों आईटी विभाग ने ब्लैक मनी पर निगरानी करने के लिए 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। आईटी अर्थात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी ब्लैक मनी पर निगरानी के लिए इस विभाग की स्थापना की है। जो दिल्ली में अभी चुनाव चल रहे हैं उसमें ब्लैक मनी की रोकथाम के लिए या उसमें निगरानी रखने के लिए 24 घंटे निगरानी रखने के लिए ब्लैक मनी डिपार्टमेंट की स्थापना की गई है आईटी विभाग द्वारा। तो ये तो रहा दोस्तों हमारे आज की करंट की क्लास। वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो अपना उसे लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। दोस्तों एक चीज़ यहाँ छूट गया था, बात हो रही थी डे की, दिवस की, तो
तो हम जब भी कोई दिवस पढ़ते हैं तो उससे संबंधित हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो 14 जनवरी का हमने यहाँ पर देखा था, 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया था। तो अब हम जनवरी के एक बार जल्दी से सारे इम्पॉर्टेंट डे वाली चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया